الرحيم ليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا جئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدقت يا رب العالمين अब तिलावत के बाद इधर के तमाम बच्चे अस्माए हुस्ना पढ़ेंगे मिलकर या रसूल अल्लाह
माशाल्लाह पाक से मुतालिक एक बच्चा नज़म पेश करेगा, मैं दावत देता हूँ नौ दिन मंसूर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, कानूने बशर पर जो इंसान है, हर मुसलमान का जिस पे ईमान है, खाली के पैरों का ये फरमान है, जिसमें रुश्दो हिदायत का सामान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सरवरे अंबिया पर जो नाज़िल हुआ, आदमी जिस अमानत का हामिल हुआ, जिसे आसान हर काम मुश्किल हुआ, वो के जिसका मुखातिब हर इंसान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, उर्फ जिसके सब मोहतरम मोहतबर, जिसकी तफसीर है ज़ात खैरुल बशर, रहबरों का है आज भी रहबरा, मुस्तकिल रोशनी जिसका उन्वान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, एक रुश्दो हिदायत है मंजूर है, जिंदगी का मुकम्मल जो दस्तूर है, उर्फ का उर्फ जो नूर ही नूर है, जिसका इरफान खालिक का इरफान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, इसको पढ़ना सवाब, इसको सुनना सवाब, ये किताब आखरी है खुदा की किताब, इसका पैगाम है इंकिलाब इंकिलाब, छोड़ कर जिसको इंसान परेशान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सबका नूरे बशर पर जो एहसान है, हर मुसलमान का जिस पे ईमान है, खाली के पैरों पर का ये फरमान है, जिसमें रुश्दो हिदायत का सामान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। माशाल्लाह हमारा ये गिफ्त का शोभा करिया कॉलेज का जो हमारे डायरेक्टर है प्रिंसिपल मोहम्मद वहीद चौधरी साहब, उन्होंने ये सिलसिला 2009 में शुरू किया था। लगभग हैरत फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस शोबे से 35 तलबाए किराम मुकम्मल गिफ्त करके और बोर्ड का इम्तहान देके फारिग तहसील हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा साल भी इंशाल्लाह जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तादाद महदूद रखते हैं, 20 बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, उसमें इंशाल्लाह आइंदा साल 3 या 4 बच्चे मुकाम पर मुकम्मल करेंगे। अभी मैं प्रिंसिपल साहब के डायरेक्टर साहब के वालिद साहब शाहिद साहब को मैं मुल्तवस हूँ कि वो हमारे बच्चों के एजाज़ के लिए उनके गले मिले फूलों के हार डाल, कि बच्चे इससे ज़्यादा के मुस्तहिक हैं, लेकिन दुनिया का एक रिवाज है कि मोहब्बत के लिए जो है वो फूल पेश किया जाता है, तो इन आबिदीन को जो है मैं मुलतवस हूँ कि चौधरी साहब जो है उनको हाथ में है जदि तशीर में मोहम्मद अली आवान सादा सलाम लेते जाए गुजरते जाए
अली मोहम्मद अहमद बिल्लापुरम जैन यूसुफ आगे आरफी नासिर मुबैक मोहम्मद अली हमजा थोड़ी देर में इंशाल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सईद खान साहब वो तशरीफ ला रहे हैं, उनका बयान होगा। सरकारी अब्दुल्ला साहब तशरीफ फरमाए हैं, ये हमारे मोहसिन हैं, ये शोभा सरकारी साहब के जरिए निगरानी शुरू किया गया था। सरकारी साहब सिलसिले रहिमिया के जो बड़े हैं करी रहीम भक्त साहब, उनके खास शागिर्दों में से मरकाई साहब की एक बात मुझे बार बार याद आती है। एक दिन मैं इनके पास हाजिर हुआ तो करी साहब अली के बीमार थे, तो फरमाने लगे कि बीमारी की वजह से क्लास में बैठना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अपने उस्तादों से ये वादा किया है कि मरते दम तो कुरान पढ़ना है। तो ऐसे जज्बात वाले लोग हों अपने साथ की बात पर अमल करने वाले, यकीनन ये जो रौनक लगी हुई है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। यह कारी साहब की दुआओं और कारी साहब का जो जज्बा है अल्लाह ताला हमें भी वो अता फरमाए। तो अब मैं मुतज़िस हूँ डायरेक्टर साहब से जो हमें अपने ख्याल के साथ फरमाए। शुक्रिया। प्यारे बच्चों और हमारे आज हमारे के अंदर भी हैं हम कहीं भी, और उसने मदरसे से टाइम निकाल के हमारे पास हाजिर में सब मिलके इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ की तरफ से। क्या जैसे कई साहब ने बताया कि हमने जब ये सिलसिला शुरू किया तो जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जिसमें अल्लाह मियां आपके लिए वो हालात क्रिएट कर देते हैं कि आप ऐसा डिसीजन करते हैं। तो हमने अपने बच्चों को कराना था, मैंने और हमारे प्रिंसिपल हैं अब्दुल रशीद साहब, जरिए बैठे थे मुफ्ती साहब को रिसीव करने के लिए गया बाहर। तो हम ये देख रहे थे कि हम कहाँ पे जाके ऐसा सिलसिला ढूंढ सकें, वो हालात भी उन दिनों में ऐसे ही चल रहे थे हमारे मुल्क के हालात बोला गाँव में सिक्योरिटी के जिन कहीं ठुक नहीं रहा। और कारी अब्दुल्ला साहब का मजिस्सा था, हमें दूर पड़ता था यहाँ से सेटे गाँव उनकी प्रशासन करके, हमने उनसे मशवरा किया। हमारे पास काफी रजीज साहब हैं, मदरस तमीज साहब थे, वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहे हैं, एफ एम की मस्जिद के इमाम भी हैं, उनसे मशवरा हुआ। मुझे सही साहब आज तशरीफ ला रहे हैं, उनसे मशवरा हुआ। हमने कहा कि छोटी सी काविश करते हैं कि बच्चों का एक सिलसिला अपने कॉलेज में हम शुरू करते हैं, तब तक पुराने पाक को पढ़ाने का सिलसिला जारी रहे।
अल्लाह के यहाँ बहुत फजर है इन लोगों के लिए। इसी तरह इन कारी साहब की वजह से, कारी अब्दुल हक साहब की वजह से फिर हमारे बच्चों का दिल लगना शुरू हुआ। फिर आस्ता आस्ता जितने बच्चे भी क्लास में आते चले गए उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक था, उनका दिल लगा पुराने पाक के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिलसिला चलते चलते तो मेरा घर पहले बैच में जो लोग जिन्होंने हिस्स किया, मेरा मरफदार था और एक हमारे प्रिंसिपल है उनके बेटे ने पहले साथ दो बच्चों ने हिस्स किया। फिर आस्ता आस्ता सिलसिला चलते चलते और अभी जो फिगर पहुंचा है वो 35 तक पहुंचा है। तो इसमें तमाम पेरेंट्स का इनका ताउन शामिल है, इन बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है, उस्ताद की बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है, हमारे जो मुमतहन हैं कारी अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन शामिल है। हम ये जब भी इनके पास बच्चे भेजते हैं, मुझे इनका लिखा हुआ मैं गौर से पढ़ रहा होता हूँ, जब ये मार्क्स लगाते हैं, इन्होंने जब के कितने नंबर लगाए हैं, तजवीद के कितने नंबर लगाए हैं, बाकी हमारे लिए क्या रिमार्क्स दिए हैं, उनको बड़े गौर से पढ़ते हैं। तो ये सारा मिलजुल के एक सिलसिला हमारा चल रहा है और इसमें सब हजरात का ताउन भी शामिल है और मेहनत भी शामिल है। जो मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए, क्योंकि सारे पेरेंट्स हैं और हमेशा जब पेरेंट टीचर मीटिंग भी करता हूँ उस वक्त भी बात कर रहा हूँ, आज भी इस मौके से फायदा उठाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बच्चे हमारे पढ़ के माशाल्लाह 35 जैसे चले गए और ये भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बहुत अच्छा पुराने पाक याद करेंगे, इनको जब हमने दोबारा यूनिवर्सिटी में लेके आना है तो फिर इसको कैसे लेके आना है और इन्हें क्या करना है। वहां पे शुरू में झोल नहीं था, मुझे कोई शक नहीं है कि शुरू के चंद साल जब मेरे हमारा वही वाली बात है, जब हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे थे तो हम उनके ऊपर जैसे भी मैनेज कर रहे थे थोड़ा सा सख्त लगता था, लेकिन मैंने और रशीद साहब ने यह तय कर दिया था कि जब हम इन बच्चों को जब 8th क्लास में डालेंगे तो इनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जो बिल्कुल लैग नहीं करें, पीछे स्टडीज में बहुत पीछे नहीं रह जाए, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली उस तरह करके इन्वॉल्व थे कि हम कह सकते थे ठीक है अगर इसका कोई नुकसान है तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा सिलसिला चल निकला कि जो हमारे पास पेरेंट्स आए उनमें से सजेशन ऐसी आनी शुरू कर हो गई, क्योंकि 4:30 के बाद जब हम उनको छुट्टी देते हैं हम वो पीरियड्स लगाते थे 4:30 से लेके 6 बजे तक, वो नहीं करें जी बहुत लेट हो जाते हैं, मगरिब हो जाती है, सर्दियां हो जाती हैं, पिक एंड ड्रॉप का मसला है, फिर ऐसे और भी बहुत से हर किसी का अपना मिजाज होता है। तो वो जो चीज़ें अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर जो पेरेंट घर पर ये कर रहे हैं इनके लिए एजुकेशन का बंदोबस्त, उर्दू इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस 4 सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ाने हैं, इन टच रखा हुआ फिर तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने इन टच नहीं रखा तो फिर इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा जब ये ग्रेड 8 में जाएंगे, हिप्स तो हो जाएगा मंजिल भी ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह सुना भी सकेंगे मुसल्ला कहीं खड़े होंगे, लेकिन अगर आप इनको स्कूल एजुकेशन में दोबारा लेके जाना चाहेंगे तो वो चैलेंजेस आएंगे। हमें भी हमने इन टच रखा, 4 सब्जेक्ट पढ़ाए 2.5 साल 3 साल और उसके बाद जब ग्रेड 8 में गए तो मुझे अपने बेटे का याद है कि सेंट मेरीज में हमने जब उनको एडमिशन कराया तो वहां पर जाके पहले टेस्ट में वो पास नहीं हुआ, 2 या 3 सब्जेक्ट्स उसके 8 सब्जेक्ट्स में से फेल हो गए। उनके प्रिंसिपल ने जैसे ही जो टीचर के साथ जब हमारी मुलाकात हुई फिर हमने प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट की, मुलाकात करके थोड़ा सा उनको बताना था, तो उन्हें हमने ये बताया कि ये हम इस चीज को समझते हैं और इंशाल्लाह आगे टेस्ट में आस्ता आस्ता इम्प्रूव करेगा। प्रेशर बिल्कुल बच्चे के ऊपर नहीं डाला, इसलिए कि वो हमारी डिजायर थी और अभी भी पेरेंट्स की जो डिजायर है, बच्चे की अपनी ख्वाहिश अपनी जगह के ऊपर कई हाफिज़े कुरान बनना चाहते हैं, लेकिन इस अर्ली एज में बच्चे का इतना बड़ा डिसीजन नहीं होता, तो ये तो पेरेंट्स का डिसीजन है, पेरेंट्स ने उनको गाइड किया और उन्होंने स्पेशल किया, तो पेरेंट्स को ही चाहिए कि जब ये दोबारा स्कूल में जाएंगे तो आपने उनको स्पेशलाइज नहीं करना, लेकिन जो कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए आपने उसको डोज देनी, तो वो डोज अगर 7-7 वीकेंड्स के ऊपर भी चलती चली जाए तो बहुत अच्छा हो, और अगर नहीं हो सकता आपके पास इतने टाइम में गुंजाइश नहीं करती तो वो जो कमी है फिर आप उसको पूरा करेंगे जब ये अपनी गर्दान कर लेते हैं, और गर्दान से पहले नहीं उठाएं तकरीबन 2.5 साल में बच्चा हिप्स कर देता है, उतना पेशेंस रखें, पहले साल में कुछ उसकी बच्चे की स्पीड कम होती है, 1 साल में 7-8 पाए, अगले साल में इससे डबल और आखिरी साल में वो इंशाल्लाह पूरा कर लेते हैं। तो जब वो 2.5 साल में मुकम्मल करता है तो 6 महीने गद्दार की जरूर दें और वेट करें ताकि उसकी मंजिल पुख्ता हो जाए, ताकि जब वो जाके किसी जगह पे सुनाए उसको कहने का याद रहे और भूले नहीं, और जब जो लोग शायद पेरेंट्स ऐसे भी आए बैठे जिनके बच्चे पहले हमारे पास से करके जा चुके हैं उनको आपने रिवाइज कराना है, उनके रियन को बंदोबस्त करना है, जिसे दोहरा ही कहते हैं, चाहे किसी उस्ताद के पास करें, चाहे नेट पे करें, चाहे किसी जगह पे भेजें उनको मदरसे में, लेकिन
चाहे घर पे सुने, लेकिन अगर आप उसको नहीं सुनेंगे तो कुछ अर्से के बाद बच्चे की मंत्र अच्छी होना शुरू हो जाएगी और उसके हाथ से जब वो चीज निकल जाती है तो फिर वो उसने कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं चलता और वो आस्था गाने का खुद सुनने चले। मैं आपको अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं मिसाल दे के कोई चीज आपको बयान करना चाह रहा हूँ, ऐसी सिर्फ एक हम्बल सी मैं सजेशन देना चाहता हूँ अपनी पूरी बात बयान करके कि मैंने आज भी वास में हिस्स किया था गालिबन 2013 में मुकम्मल किया, 2013 से लेकर आज तक हमने उनको गाई साहब के साथ अटैच किया, उनके साथ नहीं एक और साहब है जिनको वो मंजिल सुनाता है, अभी भी सुनाता है। उसने फिर ओ लेवल्स कम्प्लीट किया, फिर ए लेवल्स कम्प्लीट किया, फिर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में है अलहमदिल्ला, और लेकिन इसके बावजूद हमने उनको अटैच किया हुआ कई सब कि रोजाना मंजिल सुनाए। आज भी मुझे यह खदशा है कि अगर हम उनको बच्चों को डिटैच कर दें और उनकी मंजिल की रिविजन नहीं कराएं तो ऐसा ना हो कि कुरान पाक को भूल जाए, ये आपको बाद में भी पूरा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अब हम सईद साहब तशरीफ ला चुके हैं, इन्हें हम टाइम देते हैं उनकी मैनेजर से इनकी बरकत से और इनकी तवज्जो से, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी मुशावरत से मैंने शुरू किया था ये चीज आगे तो चल रही है, और हम इनसे दुआ इनसे दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि दुआ में और हमारे बच्चों को खुशी बच्चों में अपने साथ श्यामल हाथ रखें ताकि ये हमारे बच्चे बहुत अच्छा करें। बहुत शुक्रिया। जो आपसे बात करना है यही बच्चे हैं, लेकिन आप एक दो सवाल का जवाब दें तो फिर आगे चलें। मुझे आपने करने के लिए याद किया गुजर रहे हैं, ये बताइए कि आप में से किसी ने अब तक की उम्र में अल्लाह ताला को देखा है? नहीं देखा। पाप में देखा, पाप में नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे माबूद की परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती और कोई तवक्को भी नहीं है कि हम में से कोई मरते दम तक भी अल्लाह ताला को देखे। इसलिए कुरान में पहली शर्त ईमान के लिए लगाई है कि जो मिनुनल गैब वो उस अल्लाह को मानते हैं जो गैब में है, जो हमको उसे दिखाई नहीं देता लेकिन मौत के बाद उससे वास्ता पड़ेगा। अब इंसान के लिए ये बड़ी मुश्किल थी और ये जरा सी मुश्किल बात है अगर आप इसे गौर से सुने कि इंसान के लिए ये बड़ी मुश्किल थी कि वो एक ऐसे माबूद की इबादत करे जो उसे आंखों से नजर ही नहीं आता। 70 साल 80 साल उसने कम से कम भी 70 में से 60 साल ऐसे गुजारे जिसमें खुदा वो ढूंढता रहा और दिखाई नहीं दिया। इंसानों ने इस मुश्किल को हल करने के लिए, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, यह है दूसरा सवाल। अब आप बोलिए फिर दोहराते हैं इस सवाल को, इंसानों को जब अल्लाह ताला नजर नहीं आया उन्होंने सोचा ये कौन सा खुदा है जो कभी मिलता ही नहीं, नजर ही नहीं आता, हाथ नहीं मिलाता, मोहब्बत का इजहार नहीं करता,
और हम हैं कि उसे पूजे चले जा रहे हैं, तो इंसान बड़े तंग आए। फिर उन्होंने क्या किया, बेटे उन्होंने ये किया कि अपने पास से बुत तराशने शुरू किए, तो बुतों की इबादत हुई। फिर उन्होंने अपने पास से खुदा बनाने शुरू किए। अच्छा ये बताइए, खुदा बनाकर किस किस को पूछते रहे? मसलन जी बोलिए, आपको पूछते रहे, बहुत अच्छे। आपको बेटे ईरानी पूजा करते थे, ये ईरान की खसूसियत रही कि चूंकि उनकी तहजीब वो सिविलाइजेशन बहुत बहुत पढ़े लिखे थे, 2000 साल पहले उन्होंने तालीम शुरू की थी और उनके हमसाए अरब ये पढ़े लिखे नहीं। ईरानी हमेशा उसको खुदा बनाते रहे जो उनकी अकल में नहीं आया। उनकी अकल में नहीं आया कि आग क्या चीज है, उनकी समझ में नहीं आया कि ये समंदर क्या चीज है, उनकी अकल में नहीं आया कि आसमान पे बिजली घूमती है, कड़कती है, ये क्या चीज है। तो उन्होंने उन चीजों को खुदा बनाया जो उनकी समझ में नहीं आती। उनके हमसाए थे अरब, ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने उन चीजों को खुदा बनाया जिसे वो तराशते थे अपने हाथों से, यानी बुद्ध। बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई चीज बताइए जिसकी इंसान की कोशिश करते रहे? जी बोलिए, बंदरों की, बंदर भी खुदा बने रहे, लेकिन ये कजिया हिंदुस्तान का था। हिंदुस्तान में बास फिरके और तबके हिंदुओं के गुजरे ऐसे जो जानवरों की परस्तिश करते थे, गाय की परस्तिश करते थे, अब तक करते हैं, बंदरों की परस्तिश करते थे, अब तक भी करते हैं, सांप की परस्तिश करते थे। आप उनकी पुरानी तहजीब में जाएं तो आपको सांप और ये चीजें मिलेंगी। ये जो बेटे इस्लामाबाद है आपका, ये असल में बुद्ध मत जो थे, ये बुद्धिस्ट जो थे, इनकी राजधानी, इनका दारुल हुकूमत, ये सारे इलाके इनके भिक्षुओं के थे। और ये बुद्ध मत के जितने लोग थे ये उनकी खानकाहें थी। इसलिए कभी आप अल्लाह ताला सलामत रखे बड़े होंगे तो बरीमाम का जहां बोर्ड लगा है इसके पीछे आप चले जाएं तो वहां गाय के बुद्ध मिलते हैं, गाय पूरी तराशी हुई, सांप मिलते हैं, गार मिलते हैं। ये सब लोग इनकी इबादतों के लिए दुनिया से जान छुड़ाकर कहीं आते हैं। एक बस मिसाल और दीजिए कि किस चीज की परस्तिश की। जी बेटे, सूरज की परस्तिश की, वे तो बहुत ज्यादा हो। सूरज, चांद, ये जापानी जो हैं, ये सूरज की परस्तिश अक्सर करते हैं, इनके पास करते हैं। ये बेटे जो चीज इंसान की समझ में नहीं आई ना, उस चीज को इन्होंने पूजना शुरू कर दिया। और अल्लाह के अच्छे बंदे इसी पे रहे कि खुदा नजर आए या ना आए, हमें असल में ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर है। अगर नबी की जबान से एतबार उठ जाए तो फिर कुरान कुरान नहीं रहता, रसूल रसूल नहीं रहता, अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। तो दुनिया ने उन चीजों की परस्तिश की जो चीज उसकी समझ में नहीं आई। बेटे एक आपने दरख्तों पे एक बेर देखी है? कहिए, एक ऐसी बेल होती है जो दरख्त पे चढ़ती है और कुछ ही अरसे में दरख्त को चूस के बिल्कुल छिपा देती। देखिए किस रंग की होती है, पीले रंग की एक बेल होती है। अब
दरख्तों पे गौर करें कि जितनी चीजें हैं अल्लाह ने ये कायनात इसलिए बनाई है कि इसके समंदर, इसके दरख्त, इस जमीन में छुपे हुए बगाने, ये सब हमें बता देते हैं अल्लाह का के किसी जात ने ये बनाया। अब अपने दोस्त को अपना पता बताते हैं ना कि तुम मेरे घर आओ तो फलां गली में आना, वहां एक दरख्त है बहुत बड़ा, उससे पांचवां घर मिला। आप कोई निशानी बताते हैं ना, अल्लाह ने ये सब निशानियां हमें बताई हैं कि तुम जमीन पे गौर करना, दरख्तों को देखना, हवा पे गौर करना और फिर सोचना कि किसने बनाई है। तो ये पूरी दुनिया अल्लाह ने अपनी निशानियां बनाई हैं तक हम तक पहुंचे। अच्छा बेटे, वो जो बेल होती है उसका कोई सिरा नहीं होता जमीन में। हम चीजों को जमीन से उगते हुए देखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या डालते हैं जमीन में? बीज। और उसका कोई बीज नहीं होता, वो खुद को खुद ही दरख्तों पे चढ़ जाती है और चंद महीने में दरख्त को बिल्कुल बेकार और बर्बाद कर देती है। उसका रंग होता है पीला। तो पीले रंग की एक ऐसी बेल जिसका बीज नहीं है, जिसका जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जमीन से ताल्लुक नहीं है, कोई जमीन से पैवस्तगी नहीं है, जमीन से उसको कोई बजारे देखने में मुनासिबत नहीं रखती, वो बेल चढ़ती है। और बेल का असल यहां से कहां से शुरू होती है, बस वो नजर आता है और कहां तक पहुंच जाती है, उसे कहते हैं आकाश बेल। अब आप समझे, आप कभी गौर करेंगे दरख्त पे तो बेटे आकाश बेल जो है ना, ये दरख्त को खा जाती। इसी तरह बेटे हर इंसान के साथ भी एक आकाश बेल होती है। आपकी आकाश बेल कहां है? वो आकाश बेल हर इंसान के साथ होती है और हर इंसान पे वो चढ़ना शुरू होती है। बेटे इस बेल को ना हिंदुओं ने खुदा बना दिया। उन्होंने कहा ये तो किसी बीज से भी पैदा नहीं होती और इसकी जमीन में कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो इस बेल को हम खुदा बना लेते हैं। और खुदा बनाने के बाद हिंदुओं ने उस बेल की ये पूरा कीजिए बिखरा उस बेल की पूजा शुरू, उस बेल की इबादत शुरू की, उस बेल की परस्तिश शुरू की, उस बेल को अपना खुदा बना लिया। ऐसे ही होता है बेटे, हर इंसान के साथ एक बेल होती है और वो इस तरह उस बेल के जकड़े में आ जाता है, वो इस तरह उस बेल को अपने ऊपर लपेट देता है या बेल उससे इस तरह लिपट जाती है जैसे इंसान खुदा के सामने सजदा करे, खुदा की बात। आप में भी ये बेल है और इस बेल को अकलमंद माली, इस बेल को अकलमंद लोग, इस बेल को बाग के मुहाफिज, इस बेल को जो मालिक होता है दरख्त का, वो एक मरतबा उखाड़ता है और यूं फेंक देता है। ये बेल आप इसे किसी ने नहीं देखी, कोशिश की कभी आपको ये बेल मिल जाए तो उसका नाम है आकाश बेल, पीले रंग की होती है। इसी तरह बेटे हर इंसान पर भी एक बेल चढ़ी हुई है। अब आप सोचें आप पे क्या बेल चढ़ी हुई, ये बेल आपको खुश कर देगी, आपको बिल्कुल सुखा देगी, अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए, वरना ये बेल आपको बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। इस बेल को आपने यूं पकड़ना है अपने आप से और यूं फेंक देना। ये बेल बेटे हर इंसान के साथ होती है। मसलन किसी इंसान के साथ जब बेल ये चढ़ जाती है ना, तो उसे कहते हैं गुस्सा। जो बच्चे 24 घंटे बाद बाद इन्हें गुस्सा आता है ना, ये वो बेल है जो अब खाने के लिए चढ़ गई है और ये गुस्सा उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। समझ आई?
बास बच्चों को ये बेल चढ़ जाती है कि हर वक्त बना ठना रहो, हर वक्त मेरे कपड़े ठीक रहे, क्रीज ठीक रहे, हर वक्त ऐसा रहूं वैसा रहूं, और किसी ने कपड़े जो पहन दिए तो मैं क्यों ना पहनूं। ये बेल बेटे चढ़ जाती है, ये बेल दिल से पैदा होती है और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को तबाह कर देती है। कुछ बच्चों को ये बेल चढ़ जाती है नींद की सूरत में, या अल्लाह से मौका मिले क्लासरूम हो घर हो सबसे पहले जाके सो जाना। आप पे कौन सी बेल चढ़ी हुई है, गुस्से की, नींद की, दूसरों से मुतासिर होके अपने आप को खराब करने की? ये फैसला बेटे आपने खुद करना कि इस बेल को आपने उतार देना है। बेहतर ये है कि आप इस बेल को पहचाने कि वो पीले रंग की आकाश बेल मेरे साथ किस रंग में चिमटी हुई है, खून के रंग में, मारने के रंग में, कि कोई मिले मुझे मैं उसे मार जान से मार दू। कभी कभी दिल में आता है आता है, और कभी कभी ये होता है कि ये गाड़ी मुझसे आगे क्यों निकल गई, मैं इससे आगे क्यों नहीं निकलू, मैं इसको मजा चखा दू, ऐसे होता है। ये वो आकाश बेल है बेटे जो बच्चों पे चढ़ जाती है। आपके पेरेंट्स, आपका कोई अच्छा टीचर बशर्ते कि मिल जाए जिंदगी में, वो इस आकाश बेल को यूं पकड़ के यूं अलग कर देता है। वो कहता है कि इस आकाश बेल ने तुम्हें बर्बाद कर देना है, तुम इसे जान छो। समझ आ गई बेटे? आज रात जाके आपने गौर करना है कि आपके साथ कौन सी बेल चढ़ रही है, उस बेल को अलग करना। बेटे बस आखिरी बात आपको सुनाए, हम चलते हैं। इस बेल को अलग कर देने से ना बेटे इंसान इंसान बनता, अगर ना इंसान नहीं बनते, इंसान मिलते नहीं, क्योंकि इंसानों ने अपने ऊपर ये बेलें चढ़ाई हुई है। किसी ने बेल चढ़ा ली है जिंदगी का मकसद सिवाय पैसे के कुछ नहीं, किसी ने बेल चढ़ा ली है कि मुझे ओहदा मिलना चाहिए और ओहदा और ओहदा और ओहदा, और ओहदे से जो इख्तियार मिलते हैं बेटे, इसके बाद जो इंतसाब होता है उतनी शदीद होता है। जो ओहदे देते हैं ना वो पूछने की हिम्मत भी रखते हैं और कुदरत भी रखते हैं, इंतजाम नहीं। इसी तरह बच्चों इंसान नहीं मिलते। एक दिन आपको याद शायद ना रहे और उनकी ने याद भी रहे, अब जो बड़े हो जाए ना तो एक किताब जरूर पढ़नी, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कौन सी किताब? एक किताब जरूर पढ़नी, और वो किताब है मौलाना रूम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग उनकी मसनवी। मसनवी में मौलाना ने लिखा है कि उनके जो शेख थे ना, एक मरतबा भरी दोपहर में सूरज चमक रहा है तो वो अपने हाथ पे चिराग रख के शहर में कोई चीज ढूंढ रहे। कभी इस दुकान में जाते थे, कभी उस दुकान में जाते थे, कभी कोई चारपाई पड़ी हुई है उसके नीचे देखते थे। तो उनके मुनीद बड़े हैरान हुए और उन्होंने आकर हिम्मत करके शहर से पूछा कि हजरत ये सूरज चढ़ा हुआ है, चराग हाथ में रखा हुआ है, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा इंसान का बच्चा इस शहर में ढूंढ रहा हूं कि कोई आदमी जो इंसान का बच्चा मिले तो मैं उसके पास जाऊं। इंसान के बच्चे कौन नहीं होते बेटे जो अपने आप से इस आकाश बेल को अलग नहीं करते, हमेशा इस बेल को अपने आप से उतार। अगर गुस्सा है खत्म करना है, अगर पांच बार लोगों को तंग करने सताने की आदत है इसे खत्म करना है। कंपटीशन अच्छी चीजों में होता है, बुरी चीजों में नहीं होता है। आपको उम्मीद है समझ आई, ठीक जा।
लगाई और मुफ्ती साहब का बरकातों के हाथ से बच्चों के सर पर दस्तारा मोहम्मद अहमद इब्रा आदि अगले बच्चा है अयान अली शाह मेरा बच्चा है जैन मुशर्रफ सऊद बिन कैसर जज़ाकल्लाह।